नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलेंगे, जहां पर आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आई हैं, क्योंकि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद की आज बरसी थी और रोका गया है। प्रोटोकॉल का कितना पालन हुआ, किस तरह से पूरे सूरत हाल रहे, सनम के पास चलेंगे, देखिए। इनको आने दीजिए, इनको आने दीजिए। ये तो चलेंगे नहीं, कहाँ आएंगे? मेरे बंदे कम से कम 40 है वहाँ पे, चलो आप उधर 40 आए बंदे। आप क्या बात है, हम जमहूरियत में रहते हैं। वापस निकलेंगे, पर यहाँ क्यों रोका है? आपसे जो ऑर्गेनाइजर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या बोले इतनी बड़ी सरकार बीजेपी कितनी डरपोक है? ये लोग डरपोक के एक जमात से डरते हैं कि वो अपने लीडर के यहाँ खराज की पेश करने के लिए जाते हैं, पाकिस्तान के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ जाने नहीं देते हैं। इससे बड़ी डरपोक सरकार तो मैंने कभी देखी नहीं है। खिलाफ जदोजहद करेंगे, जो आपने हमसे छीना है उसको सूद के समेत वापस करेंगे। इसके अलावा मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों नौजवानों ने शहादतें दी, हजारों घर उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों औरतें बेवाएं हो गए, उस मसले को हल करने के लिए मुफ्ती साहब के रास्ते पे चल के हम वो मसला हल करेंगे। मुफ्ती साहब आखिरी वक्त मेस अल्लाह ताला चुम गवाह तम सन मे वन तो सहलाब जदन पोस त्रोवा मे वन तो यह गो पाकिस्तान तत क्या गो मोदी गो पाकिस्तान तत क्या गो यानी तमिस आखिरी वक्त पे यह ख्याल कि कौशर गो मुसीबत मूकन तौर न फिक्र बीजेपी आई। ये हल्की हल्की बारिशें तो अभी हो रही है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन बारिशों ने जोर भी आज पकड़ना है। महकमा मौसमियात ने पहले ही चेतावनी कर रखी है, लेकिन इन बारिशों के बीच में सियासत का जोर भी था और आज मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के यौम विसाल पर तकरीब बिजवाड़ा के इलाके में होनी थी और इस तकरीब के दौरान भी हमने वही मिजाज देखा जो कश्मीर की पुलिस का, कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन का, कश्मीर के पॉलिटिशियंस का है। यहाँ मज़ार पर आ रहे लोगों को रोकने की कोशिश की गई और रोकने की कुछ इस तरह से कोशिश की गई कि मज़ार के बाहर भी सड़क पर लोगों को रोका गया, आने जाने वालों को भी रोका गया, दूर देहात से जो आने वाले थे उनकी गाड़ियों को भी रोका गया और उस पर महबूबा मुफ्ती सरापा एहतजाज पर भी उतर आई। करीबन एक घंटे तक महबूबा मुफ्ती यहाँ सड़क पर भी रही और अपने इस एहतजाज के दौरान उसने बताया कि जब तक लोगों को छोड़ा जाएगा तब तक वो अंदर जाएंगी नहीं। महबूबा मुफ्ती को इजाज़त दी जा रही थी, लेकिन उसके साथियों को इजाज़त न मिलने पर वो सीखपा भी हुई थी और फिर सरकार ने किसी हद तक कुछ लोगों को अंदर छोड़ा, कुछ को नहीं जाने दिया। यूं मामला सुलझ तो गया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर भी सरकार को उलझाने की कुछ ऐसी कोशिश की कि कश्मीरियों के लिए बताया कि आने वाला वक्त बड़ा ख़राब हो सकता है, जो हालात बने हैं उनमें कुछ ना कुछ करना है, वरना आने वाले दिनों में बहुत कुछ झेलना भी सकता है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको ले चलेंगे गुलमर्ग और गुलमर्ग की खूबसूरती का नजारा आपको दिखा देते हैं और उसके साथ ही आपको वाटरफॉल भी दिखाएंगे, कैसे वहां पर सूरत हाल है और बाहर से पर्यटकों का तांता किस तरह से लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता इश्फाक डार भी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ है गुलमर्ग के अंदर सूरत हाल, देखिए। महकमा मौसमियात ने 7 और 8 तारीख को वादी में भारी बर्फबारी का इम्कान जताया है, वही यहाँ पर सहद इमकान गुलमर्ग के द्रंग में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बाहर से जो पर्यटक आए वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का लुत्फ ले रहे हैं और यहाँ पर इनसे जानना चाहेंगे अब यहाँ पर बर्फबारी हुई है तो क्या कैसा लगा आपको यहाँ पर सहद इमकान द्रंग में आके? मैम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नेहा गुप्ता। कहाँ से आप? दिल्ली से। क्या यहाँ पर कहना चाहेंगे जो बर्फबारी का आप आनंद लेने के लिए आए हैं? देखो हम लास्ट ईयर ना शिमला भी गए, मनाली भी गए, वहाँ भी स्नोफॉल थी, वहाँ भी बर्फ थी, लेकिन जो ऐसे वाला स्नोफॉल और जो कश्मीर की वादियों जैसा लुक है ना वो कहीं भी नहीं है। मतलब इसको लोग जन्नत बोलते हैं, ये सच में ही जन्नत है और आई वुड रिकमेंड कि लोग जो डरते हैं, जो बोलते हैं कि कश्मीर नहीं जाना, ये है वो है, न्यूज़ देख के मतलब आना चाहिए, यहाँ के लोग भी बड़ा पोलाइट है और ऐसी वादियों का मज़ा कहीं भी नहीं है।
तो सच में जन्नत है, आना चाहिए। तो कैसी एक्सपीरियंस आई आपके बारे? बहुत ही अच्छा, कि मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप किसी को वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, वर्ड्स में बता ही नहीं सकते, फोटो में, वीडियो में, रील बनाकर, लेकिन जो खुद एक रियलिटी में एक्सपीरियंस है वो आप नहीं बता सकते। तो द्रंग के बारे में क्या विचार है आपका? बहुत ही सुंदर वाटरफॉल, जो मतलब पूरा पानी बहता है, ये जमा हुआ वाटरफॉल उससे भी ज्यादा अच्छा है। ठीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। मेरा नाम आदित्य गोयल है, मैं दिल्ली से हूँ। जी, कैसा लगा यहाँ पर आके, द्रंग में आके? द्रंग वाटरफॉल में आके बहुत ही अच्छा लगा। ये मतलब गुलमर्ग आए, गुलमर्ग अगर कोई आ रहा है, द्रंग वाटरफॉल अगर नहीं आ रहा तो फिर उसका गुलमर्ग आना 50% ही वर्थ रहेगा। अच्छा, गुलमर्ग आके द्रंग वाटरफॉल आना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पर, फोटोज भी बहुत प्यारी आ रही हैं, और मतलब और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कश्मीर के लोग बहुत ही प्यारे और बहुत ही पोलाइट हैं। अगर दिल्ली की बात करें, वहाँ तो तापमान अच्छा खासा रहता है और वहाँ पर इन दिनों जो है धुंध चल रही है, तो यहाँ पर आके आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? भाई, दिल्ली का जो ठंड है वो वहाँ के हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फबारी देखना, बर्फ के साथ एक्सपीरियंस, शाम को जब हम थे यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी, सुबह जब हम फ्लाइट से उतरे तब स्नोफॉल हो रही थी, अलाव का सहारा लेते हैं, हाँ, तो वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। कितने लोग यहाँ पर आए हैं? हाँ, मेरा नाम मयंक, हम लोग 3 लोग आए हैं यहाँ पर दिल्ली से। जी, में तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, जैसे यहाँ पर बर्फ़ है, काफ़ी जगह हमने देखी है बर्फ़, बट यहाँ जैसी नहीं देखने को मिली है काफ़ी। और ये जैसे आप देख रहे हो वाटरफॉल, और इसमें वो जो जमी हुई चीज़ें दिख रही हैं, पानी जैसे जम गया है, तो ऐसा कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब सबको आना चाहिए, और जो लोग मतलब डरते हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ से जैकेट लीजिए और कोई ठंड नहीं लगती है। आप अच्छा, और बर्फ़ में ज़्यादा बात, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हालात ठीक है, नहीं जाने को मन करता है, तो आपका क्या विचार है? देखो, हालात ठीक नहीं है वो दिखाते तो है न्यूज़ पे, हम भी उस चीज़ को लेके बहुत, जब हम आए थे तो हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, बट यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो लोकल है, हमें कोई किसी से दिक्कत नहीं है, हमें कुछ भी चाहिए किसी से भी मांग लेते हैं, सब दे देते हैं, तो यहाँ पे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। हमने आर्मी वालों से बात की, पुलिस वालों से बात की, तो टूरिस्ट लोगों को कुछ भी नहीं किया जाता है तंग, आप आराम से घूमने आ सकते हैं, और मतलब आना ही चाहिए, बहुत अच्छी जगह। एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, जो लोग कश्मीर का ट्रिप प्लान कर रहे हैं, वो अगर वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो वो किसी ना किसी ट्रैवल एजेंसी के टच में आके, उनके थ्रू ही आइए फर्स्ट टाइम। और जब भी आप गुलमर्ग या पहलगाम कहीं भी जाएँ, तो आप गाइड ज़रूर लीजिएगा, आपको मतलब वो इतनी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोकल पर्सन है, उनको पता है किसको कितना पे करना है, कितना नहीं करना है, और काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। जहाँ भी आप फंस जाते हो, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सैद इमकाम गुलमर्ग के द्रंग में जो सयाहों से हमने बात की, तो उनका यही कहना है कि जो यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, कहीं ना कहीं जो बाहर से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, वो इस ताज़ा बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और इंतजाम को चाहिए कि सयाहत के साथ साथ यहाँ पर जो मकामी लोगों को बर्फबारी के दौरान मुश्किल पेश आ रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए। इश्वाकदार, JK247 न्यूज़, द्रंग, टंगमर्ग। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे, और बड़गाम में देर शाम से ही आपको बताते चलें कि पूरी तरह एनकाउंटर का सिलसिला बदस्तूर जारी था, और सुबह 3 आतंकवादियों को यहां पर मार गिराया गया, लेकिन उसके साथ ही बैंक में भी लूट की घटना देखने को मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि एडिक्शन की वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन जोहूर क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कल देर शाम गई ही जोलवा चौड़ा इलाके में एक कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया, और जिसमें से वहां पर फायरिंग हुई, और फिर रात गए एनकाउंटर बंद किया गया, और सुबह जब 3 बजे शुरू हुआ, और फिर एनकाउंटर में एक मिलिटेंट और उसके बाद और 2 मिलिटेंट जान बाक हुए। कल देर रात गए 10 बजे रात तकरीबन एक ATM जो है नस्लापुरा बड़गाम में पड़ता है, वहां पर कुछ 2 अशखास आए, और जिन्होंने तोड़फोड़ की और ATM को बिल्कुल तोड़ दिया गया, और बाद में पुलिस जराये के मुताबिक उनका यही कहना था कि ये जो 2 मुश्तबा थे वो दोनों ही ड्रग एडिक्ट थे, और जिन्होंने उसको तोड़ने की कार्रवाई की थी, लेकिन वो वहां से पैसे निकालने में नाकाम हुई, और हालांकि जिन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी वहां से जाते जाते हुए जख्मी कर दिया। JK247 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हूँ। चलिए अब आपको जिला डोडा लिए चलेंगे, और डोडा से भी वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ मौसम के हवाले से वो खबर बता रहे हैं, किस तरह से मौसम के हवाले से वहां पर सूरत हाल बने हुए हैं, वो देखिए। जिस तरह से काफी दिनों से मौसम में एकदम से तब्दीली आ चुकी है, वहीं पर हम जिला डोडा की बात करें, जिला डोडा के अंदर भी बारिश का सिलसिला जारी है। अभी आप देख सकते हैं काफी बारिश डोडा के अंदर भी हो रही है, और बालाई इलाकों में काफी बर्फ हो रही है,
मेरे साथ बबोर की सरपंच है, इनसे बातचीत करते हैं इनके इलाके में किस तरह की दिक्कत इनको आ रही है और खास करके डोडा के अंदर किस तरह की परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। आपका वेलकम है, थोड़ा सा ये बताएं, अभी भी कुछ इलाकों से इस तरह की खबर मिल रही है कि रास्ते बंद हैं, हमारे जो लिंक रोड है वो बंद है, काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, इस पर क्या बताना चाहोगे आप? सबसे पहले वसीम जी, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपकी जो चैनल ने हमें बहुत सारी यहाँ के आवामी मसाइल को उजागर किया। सबसे पहला शुक्रिया तो मैं आपका इस बेस पे करूँगा कि आए दिन हमें बिजली की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब कल से कल ही से आपने एक खबर चलाई थी महकमे बिजली के ऊपर, तो कल से हमको देखने को मिला कि बहुत कम बिजली की कटौती हो रही है, तो हम आपके चैनल का इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। उसके अलावा हमारे जो यहाँ पे बालाई इलाका है, हमारा पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इस वक्त रास्तों का काफ़ी यानी बंद पड़े हुए हैं, तो हम ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ का सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया को ये सोचना था कि अगर उनको यानी वेदर की रिपोर्ट आ गई थी कि 7 से या 9 से या 10 से या 5 से अब बालाई इलाकों में बर्फबारी होनी है, बारिशें होनी है, तो ज़िला यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया को चाहिए था कि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के अस्पतालों के हालात जो है, वहाँ पे जो PICs हैं, वहाँ पे जो स्टाफ जो है वो तैनात करना, दवाइयों का वहाँ पे इंतज़ाम रखना था, यानी इलाकों में JCBs का इंतज़ाम, क्योंकि यहाँ पे तो सरकार तो एक तरफ से दावा करती है कि हमने ये टेंडर निकाले वो टेंडर निकाले, लेकिन इस वक्त देखते हैं कि हमारा गुन्ना इलाका है जहाँ से जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पे बर्फबारी की वजह से, पसियों की वजह से रास्ते बंद रहते हैं, जिससे आम लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर बन रह जाती है। जी, बड़ा अहम सवाल है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोविड का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, कल भी एडमिनिस्ट्रेशन अनाउंसमेंट कर रही थी, पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी, उन लोगों पे शिकंजा कसा जा रहा था जो विदाउट मास्क थे, मगर हम देख रहे हैं कि गंदगी के अंबार अलग अलग जगहों पे लगे हैं, जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो अपनी डिमांड्स को लेके, मगर हम देख रहे थे कि परमानेंट लोग कुछ दिनों से काम डोडा के अंदर कर रहे हैं, मगर अभी भी हमें ये खबर मिल पा रही है अलग अलग जगहों से कि गंदगी के अंबार जो है उनके इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है, बीमारी फैलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इस पर क्या बताना चाहोगे? वसीम जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखियो ये कोविड मास्क मैं तो कहता हूँ कि ये तो एक बहाना है। सबसे पहले है कि सफाई जो है बेस्ट है, क्योंकि सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है, सफाई जो है अगर आपके इलाके में साफ होगा, आपके इलाके में स्वच्छता होगी, आपने तो मगर हम देख रहे हैं कि गंदगी के अंबार अलग अलग जगहों पे लगे हैं, जिस तरह से सफाई कर्मचारी जो अपनी डिमांड्स को लेके, मगर हम देख रहे थे कि परमानेंट लोग कुछ दिनों से काम डोडा के अंदर कर रहे हैं, मगर अभी भी हमें ये खबर मिल पा रही है अलग अलग जगहों से कि गंदगी के अंबार जो है उनके इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है, बीमारी फैलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, इस पर क्या बताना चाहोगे? वसीम जी, मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखियो ये कोविड मास्क मैं तो कहता हूँ कि ये तो एक बहाना है। सबसे पहले है कि सफाई जो है बेस्ट है, क्योंकि सफाई से इंसान है, गलीज और गंदा तो हैवान है, सफाई जो है अगर आपके इलाके में साफ होगा, आपके इलाके में स्वच्छता होगी, आपने तो एक दिन तायुन करके रखा है 2 अक्टूबर की, इस दिन आप सफाई के ऊपर ही बयानबाजियां करते रहेंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से गंदगी के बहुत बड़े ढेर लगे हुए, तो उससे तो आपके तरह तरह के आपके इलाकों में तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, जिससे कोविड ज़्यादा से ज़्यादा जन्म लेगा। मैं तो उन सफाई कर्मचारियों के ऊपर दाद देता हूँ जो बेचारे 24 घंटे रात दिन कोविड में भी बाकी वक्त में भी इस सफाई की तरफ ध्यान देते थे, लेकिन जब से ये सफाई के कर्मचारी बेचारे हड़ताल पे, ढीली वेजर्स हड़ताल पे हैं, तो तब से तो गंदगी के ज़्यादा अंबार लगे हुए हैं, इससे तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही अपील करूँगा कि 1750 रुपये में इस वक्त तो 1000 रुपये का आप तेल का गैलन दे रहे हैं 5 लीटर का, आप तो 40-50 रुपये का चावल किलो दे रहे हैं, 1750 रुपये में गरीब तबका क्या होगा, जो गंदगी बेचारे हाथ में गली गलाजत से साफ करते हैं, कम से कम इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए था, इनको भी उस जुमरे में लाओ, कम से कम 18,000-20,000 अगर इनकी महाना सैलरी होगी तो आप तो देखेंगे कितनी अच्छी सफाई करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो खास बातचीत हमारे साथ सजाद कर रहे थे जो बबोर के सरपंच है, और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर बताया कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जिस तरह से अभी भी कुछ इलाकों से खबर हमें ये मिल पा रही है कि हमारे लिंक रोड जो है बंद है, हमारा जो हेल्थ का जो अमला है यहाँ पे बैठता नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों पे संज्ञान लेना होगा। जिस तरह से आज भी हमें कुछ इलाकों से जब बातचीत हुई, इलाकों के जो सरपंच हैं उनका यही कहना था कि बेसिक चीज़ों के लिए हमें तरसना पड़ता है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान देगी ताकि लोग राहत की सांस लें।
अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से दिखा देते हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश के अंदर पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के बीच में किस तरह से हालात बने हुए हैं वो आपको दिखा देते हैं। तो जिला सांबा में लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जिला प्रशासन सांबा ने सांबा जिला का एक और इलाका माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और ये इलाका है बड़ी बामना तहसील का तरोर अड्डा। यहां पर भी कुछ कोविड केसेस सामने आने के बाद जिला प्रशासन सांबा ने एहतियातन तौर पर इस इलाके में पाबंदियां लागू कर दी है। आपको बताते चले कि यहां पर इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और खासतौर पर यहां इस इलाके में नोडल ऑफिसर्स की तैनाती करके यहां पर 100% टेस्टिंग को किस तरह से पूरा करना है ये तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। यहां नोडल ऑफिसर्स की देखरेख में और कंसर्न पुलिस ऑफिसर की देखरेख में यहां पर टेस्टिंग प्रक्रिया को बढ़ाया गया है। आपको बताते चले कि जो लोग यहां से पॉजिटिव आए हैं उनके परिवार के सदस्यों की सैंपलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और उसी के साथ साथ उस व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में और कौन कौन लोग आए हैं ये भी प्रशासन जो वो ट्रेस कर रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनकी भी टेस्टिंग की जाएगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरी लोकैलिटी इस समय सील की गई है, बताया जा रहा है कि तरोर अड्डा जो इलाका है यहां पर पाबंदियां जो लागू की गई हैं अब यहां के लोगों की भी टेस्टिंग की जाएगी क्योंकि रिस्क को कवर करना है, उसी को लेकर ये सारी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है। और खासतौर पर अगर बात करें कि अगर कोई यहां पर टेस्ट की प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, अगर कोई रिफ्यूज करता है कि हमें टेस्ट नहीं करवाना है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ये साफ तौर पर इस ऑर्डर में मेंशन किया गया है। और उसी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाओं को किस तरह से यहां पर सुचारू करना है ये भी व्यवस्थाएं नोडल ऑफिसर्स को बनानी है। लेकिन अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन की बात करें तो लगातार जिला में ये कंटेनमेंट जोन बनना शुरू हो चुके हैं, ये हॉटस्पॉट बनना शुरू हो चुके हैं और अभी तक जो हमें आंकड़ा मिल पाया है ये अब 9 से बढ़कर 12 हो चुका है जिला सांबा में, यानी 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अभी भी एक्टिव हैं और जो संख्या है कोविड केसेस की जिला सांबा में ये 15 है। और उसी के साथ साथ जिला प्रशासन सांबा ने जो एहतियातन तौर पर एक और कदम उठाया है कि जिस तरह से नाइट कर्फ्यू की अवधि में भी चेंजेस लाई है, ये पहले जो नाइट कर्फ्यू का वक्त था वो सुबह 6 बजे तक था, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, लेकिन अब इसे चेंज किया गया है। अब नया जो वक्त है नाइट कर्फ्यू का ये स्ट्रिक्टली जो वो किया गया है रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, और अगर इन बिटवीन अगर कोई वॉयलेशन होती है नाइट कर्फ्यू की तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ये डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की तरफ से दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, यानी कोविड को लेकर अब सख्ती जो वो एक बार फिर से हमें देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कोविड एक बार फिर से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और सूत्रों के हवाले से हमें यह भी जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोग जो अपना इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल सांबा में आए थे, यानी कुछ पेशेंट्स की अगर बात करें तो वो भी लगभग 3 से 4 लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल अभी पूरी क्लियरेंस तो नहीं मिल पाई है लेकिन ये हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि 4 से 5 लोग जो है ये कोविड पॉजिटिव और पाए गए हैं जिला सांबा में। तो ये सूरत हाल है अभी तक का कोविड को लेकर जिला सांबा से। उम्मीद करेंगे कि आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाकर ही घरों से बाहर निकलेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोविड को लेकर जो अपडेट्स हैं ये आना शुरू हो चुकी है, यानी एक बार फिर से धीरे धीरे कोविड के केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं जिसके चलते माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़ना शुरू हो चुकी है जिला सांबा में। तो पाबंदियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं, यानी पाबंदियों का दौर एक बार फिर से हमें देखने को मिलना शुरू हो चुका। चलिए अब आपको कठुआ लिए चलेंगे और कठुआ से आपको खबर दिखा देते हैं कि पशु तस्करी का मामला किस तरह से देखने को मिला है। 7 मवेशी यहां पर बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ जो चालक था वो मौके से फिलहाल फरार हो गया है, लेकिन पुलिस ने किस तरह से दबिश दी है, क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, सरबजीत क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। जम्मू कश्मीर पंजाब सीमा पर एक बार फिर से मवेशी तस्करी की बड़ी वारदात को लखनपुर पुलिस ने यहां पर विफल किया है। आज सुबह तड़के ही जैसे एक ट्रक पंजाब की सीमा से लांघता हुआ जम्मू कश्मीर की सीमा में एंटर हुआ तो वहां पर लखनपुर पुलिस की ओर से वहां पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान जब इस ट्रक चालक ने नाका पार्टी को देखा तो ट्रक को छोड़कर वो मौके से फरार हो गया। जब ट्रक की जांच की गई, तलाशी ली गई तो उसमें से आलू और प्याज लदे हुए थे, लेकिन गहनता से जांच तलाशी लेने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को लखनपुर पुलिस को ये मालूम हुआ कि गाड़ी में अवैध रूप से लेके जाए जा रहे 7 मवेशी पाए गए जिसको लखनपुर पुलिस की टीम ने तुरंत यहाँ पर मुक्त करवा दिया है। आपको बता दें कि इस तरह की मवेशी तस्करी की वारदातों को लगातार यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है जिसको लेकर पुलिस जो है समय समय पर इन तस्करों की वारदातों को विफल कर रही है। वहीं अगर बात करें तो तस्करी की वारदातों को अंजाम देने के नए नए
तरीके नए नए हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जिस तरह से आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि आलू प्याज की आड़ में इस तरह की तस्करी का प्रयास किया जा रहा था। हमने ये भी देखा है कि फल और सब्जियों की आड़ में मवेशी तस्करी का प्रयास किया जाता रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कंटेनर्स और ऑयल टैंकर्स में मवेशियों की तस्करी की जाती थी। कितनी क्रूरतापूर्ण तरीके से इन बेजुबान जानवरों को तस्करी करने का प्रयास किया जाता है, कितनी बेदर्दी से इन मवेशियों को यहाँ पर बांधा जाता है और इनको पंजाब और विभिन्न राज्यों से होते हुए इनको कश्मीर घाटी की ओर लेके जाया जाना था, लेकिन लखनपुर पुलिस की ओर से एक बड़ी तस्करी की वारदात को यहां पर विफल किया गया है और 7 मवेशियों को मुक्त करवाया गया है और सभी मवेशी जितने भी मवेशी को मुक्त करवाया गया है उन्हें पुलिस द्वारा बनाई गई विशेष गौशाला में जो कि कीड़िया गंडियाल में बनाई गई है वहां पर इनको रखा गया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह। और भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं देखिए। शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के सोपोर इलाके की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले जो हमने एक स्टोरी की थी कि अगर देखा जाए कि कॉलेज के सामने या मेन मार्केट की बात करें या इकबाल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जो है जो बारिश बर्फबारी की वजह से जो है पानी जमा हो रहा था, जहाँ पे अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो ड्रेनेज सिस्टम जो हम ये कह सकते थे कि एक नाकारा ड्रेनेज सिस्टम जो देखने को मिल रहा था, लेकिन स्टोरी करने के बाद जो है अगर हम देखें जिला प्रशासन जो है हरकत में आया है। प्रशासन की अगर बात की जाए या अगर देखे जाए एसएमसी सोपोर की जानिब से जो है आज सुबह से ही वहाँ पे एक बार फिर काम स्टार्ट किया गया है और जहाँ जहाँ पे जो पानी जमा हुआ था और वहाँ पे जो है वो लीकेज अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें, जल शक्ति डिपार्टमेंट की जानिब से अगर कुछ दिन पहले काम लगाया गया था और उसके चलते जो है वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है लोगों को देखने को मिल रहा था। एसएमसी सोपोर की बात करें तो आज सुबह से जो है एसएमसी सोपोर ने वहाँ पे एक बार फिर काम स्टार्ट किया है। जो ड्रेनेज फेल हो गई थी उसको जो है ठीक किया जा रहा है और एसएमसी सोपोर का ये कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी जो जमा हो चुका है उसको निकाला जाए और लोगों को जो है चलने में राहत मिल सकेगी। और की आवाम है उनका ये कहना था कि चलने में जो है काफ़ी दिक्कतें हो रही है, चलने फिरने में जो है मेन मार्केट की अगर बात करें चलने फिरने में जो है दिक्कतें आ रही हैं इस पानी की वजह से। और अगर देखा जाए कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अब जागती हुई नज़र आ रही है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ पे साइड से ड्रेनेज जो जहाँ जहाँ पे जो ब्लॉक हो गई है उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे कि क्या प्रशासन जो है 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ये लीकेज या अगर हम देखें जो जल शक्ति डिपार्टमेंट का लीकेज था वो वहाँ पे ठीक हो सकता था। वहाँ पे जो ब्लॉक हो गई है अगर मेन इकबाल मार्केट की बात करें या कॉलेज की बात करें वहाँ जहाँ जहाँ पे जो ये लीकेज जहाँ जहाँ पे ये ड्रेनेज जो ब्लॉक हो गई है उसको ठीक किया जा सकता था। लेकिन अगर देखा जाए जो ही बारिश स्टार्ट हुई जो ही पानी जमा होने लगा हमने इस स्टोरी की उसके बाद जो है शायद प्रशासन जाग गया और उसके बाद जो है आज वहाँ पे एक बार फिर काम स्टार्ट किया गया और लोगों को ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है इसमें साइड से जो है ड्रेनेज का काम ठीक किया जाएगा और इस पानी को एक रास्ता दिया जाएगा जिसके चलते जो पानी बीच बीच में जो सड़कों के बीच में जो जमा हो रहा था उसको जो है साइड से निकाला जाएगा ताकि जो पानी जो है वो जमा ना हो पाए। जो हमने फॉर्म स्टैम्प्स इनिशिएट किए हैं प्रोजेक्ट मैं इनको कंप्लीट होने में आई थिंक 2 महीने लगे या अगर काम तेजी से होगा तो 1 महीने से जमा तो ये बताइए जी। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है फॉर्म स्टैम्प और भी यहाँ आगे एक जगह है वहाँ पर भी हमने सोमू सैन का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो केतन वे अंदर ट्रैफिक जैम में जो रहती है उसको एक सोल्यूशन के तौर पर हमने ये स्टार्ट किया है यहाँ पर बिकॉज इट इज फार फ्रॉम द मेन टाउन। इससे क्या होगा एक तो ट्रैफिक जैमिंग की प्रॉब्लम कम होगी और जो मार्केट हमारा है वो भी फैलेगा और इनडायरेक्टली इससे जो हमारे हेल्पिंग हैंड या मास्टर माइंड रहे हैं तो वो जो हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मिस्टर धीरज गुप्ता जी और आई वुड लाइक टू थैंक हिम जो हमारी डायरेक्टर मैम है अर्बन लोकल बॉडीज की और जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लाइक DC साहब है SSP साहब है या मोस्टली जो XNRMB है आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। पुलवामा में 3 होम स्टैंड बन रहे हैं,
एक सर्कुलर रोड तहत क्रॉसिंग पे बन रहा है और दूसरा डांगरपुरा में बन रहा है, उसी के हवाले से हमने आज जो म्युनिसिपल चेयरमैन है उनसे हमने बात की, वो मुआयना करने के लिए आई थी यहाँ पे। उन्होंने बताया कि अभी हम काम कर रहे हैं लेकिन 10-15 दिन में ये स्टार्ट होगा। मुजम्मिल, JK 24/7, पुलवामा। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सूरतेहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां पर लोगों को काफी परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक यहाँ मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अपर रिचेस में बर्फबारी हो सकती है और बारिश मैदानी इलाकों में हो सकती है। लेकिन उस बीच में महबूबा मुफ्ती को आज किस तरह से रोका गया और वो केंद्र सरकार पर तंज कसती हुई नजर आई है, और साथ ही साथ एनकाउंटर के हवाले से भी आपको खबरें दिखाई गई। और उसके साथ आपने देखा कि गुलमर्ग में अंदर खूबसूरती का नजारा देखते ही बन रहा था। आप देखते रहिए कार्यक्रम।